तो सलाम आदाब नमस्कार। देखिए दुबई की 30 साल पुरानी कंपनी का कल 20 जून को क्लाइंट इंटरव्यू, वो भी अरबी का। बहुत ही अच्छी कंपनी है कि पूछिए मत, इतनी जबरदस्त कंपनी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन एक चीज को ध्यान रखिए कि कल जो आएगा वो कल पाएगा, टाइम बहुत कम है। इसमें मेसन चाहिए 1200 दरहम सैलरी, 8 घंटे का जिप्सन कारपेंटर, 8 घंटे का 1200 दरहम इलेक्ट्रीशियन, 8 घंटे का 1200 दरहम प्लम्बर जो है, 8 घंटे का 1200 दरहम सैलरी है, ठीक है। और कल ही इसका क्लाइंट इंटरव्यू है। जो साथी आएंगे वो कुछ ना कुछ पाएंगे, पासपोर्ट आपका सीआर सेनार हो जाएगा। ये जो भी सैलरी है 8 घंटे का है, और इसमें कंपनी किचन फैसिलिटी दे रही है, हर एक फैसिलिटी दे रही है, ट्रांसपोर्ट दे रही है और मेडिकल फ्री दे रही है। जो भी कल साथी आना चाहते हैं, सुबह जो है 12 बजे तक 1 बजे तक आप आराम से आ जाइए। इंटरव्यू हमारे यहाँ सुबह जो है देखिए 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आप 1 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे शाम तक भी आ जाएंगे ना, मैं आपका इंटरव्यू करा दूंगा, जान लीजिए, ठीक है। तो यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अरबी क्लाइंट आया हुआ है, और माफी चाहते हैं दोस्तों। देखिए मैं सलाम आदाब नमस्कार कबूल करिए, दिमाग से उतर गया था यार, कल इंटरव्यू है, मैं भी फैमिली के साथ गया था थोड़ा बच्चों को घुमाने के लिए। अभी आया हूँ तो एक बैग याद आया कि यार कल के इंटरव्यू लेते मैं लाइव डाला ही नहीं हूँ। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई शेयर करिए यार, क्योंकि जरूरत, जिन लोगों को जरूरत है उनके तक पहुंच जाए। आपसे बोलने भैया यह मत सोचिए कि मैं आपके मोबाइल में से बोल रहा हूँ, आपके पास बैठ करके निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच जाए। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मेसन, जिप्सन कारपेंटर, ये टोटल 4 ट्रेडे हैं जान लीजिए। 1200 दरहम सैलरी दे रही है कंपनी 8 घंटे का, और कंपनी भी ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। सिर्फ गूगल पे नाम ही आप सर्च कर लेंगे ना, ठीक है, EI रेस कंस्ट्रक्शन RCC नाम से आ जाएगा। RCC कंपनी दुबई की मानी जानी कंपनी है जान लीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो है लोगों को मालूम चल सके कल के इंटरव्यू के बारे में। बाकी जिन लोगों का ऑफिस में हमारे पासपोर्ट जमा है उनको ऑलरेडी फोन भी चला गया है, वो लोग टाइम से अपना आ जाए। बाकी जो लोग नए देख रहे हैं मौका छूटने ना पाए, अभी दूर, बहुत दूर हैं आप, तो अभी से ही निकल जाइए, कल आ जाइए शाम 4 बजे तक भी मैं आपका इंटरव्यू करा दूंगा, ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी कई दोस्त कमेंट कर रहे हैं, कोई सवाल पूछना है तो इस वीडियो को शेयर करिए एक बार ताकि हम जो है आपको जवाब बता सके। पेंटर का वीजा है सर, दीपक कुमार भाई पेंटर का तो अभी नहीं है लेकिन बहुत जल्दी ही आएगा, ठीक है। संजय कुमार भारती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शेयर किया है, सही लोग शेयर करते हैं, आप भी शेयर कर दीजिए दोस्त, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यह कंपनी का नाम है अल रईस कंस्ट्रक्शन LLC कंपनी अबू धाबी की मानी जानी। 20 जून को जो है क्लाइंट इंटरव्यू है, 20 जून को मतलब कल ही, ठीक है। सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा और शाम को 6 बजे तक चलेगा जान लीजिए। तो आप कभी भी आ जाइए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मेसन, जिप्सन कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, 4 ट्रेड चाहिए, और इसकी सैलरी जो है 8 घंटे की 1200 दरहम सैलरी है, उसके बाद ओवर टाइम है दोस्तों, ठीक है। राजमिस्त्री का तो है ही ना भैया, राजमिस्त्री को ही मेसन कहते हैं। आ जाइए चंदन कुमार साहब, मैं आपको लगा रहा हूँ कॉल, ले लीजिए। चंदन भैया हमारे हर एक वीडियो देख रहे हैं। आप देखिए दीपक भाई पूछ रहे हैं कितना पैसा लगा, पैसा कम ही, बहुत कम ही लगता है जी। भैया नमस्कार, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, कैसे हैं? ठीक है, अपना बताइए। बात कर रहे हैं राजमिस्त्री का, कैसे बहराइच से? तो आ जाइए ना, राजमिस्त्री का तो है कल। हाँ सर, कल आ जाइए, राजमिस्त्री का है, राजमिस्त्री का है, राजमिस्त्री का काम करते हैं। हाँ ए महाराज, तो आ जाइए, अपना 2-4 सेट कपड़ा लेकर आइए, रहना खाना सब फ्री देंगे, जब तक वीजा नहीं आता तब तक हमारे यहाँ काम करिए, जो दिहाड़ी है वो भी दूंगा, और 2-4 हेल्पर है तो उनको भी लेके चले आइए। अच्छा जी, क्योंकि हमारा जो है राजमिस्त्री का भी काम करते हैं और पोपलेन का भी काम करते हैं, एक्सकेवेटर का ना, एक्सकेवेटर का तो भैया नहीं है, हाँ जिसका है 10 दिन में आपको वीजा निकाल के दे देंगे। इस कंपनी में जो भी आएगा भैया, चंद्रमा नाम है आपका? हेलो, हाँ चंद्र,
चंद्रमा नाम है। आ जाइए, हाँ जी सर, हाँ चंद्रमा आप नाम। आ जाइए, बाकी जो भी कल आएगा ना 10 दिन के अंदर इसको वीजा मिल जाएगा। 11 दिन नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी 10 दिन के अंदर आपको वीजा मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी साथी जाना चाहता है आ जाए, और जो है अभी बनवा रहा हूँ मैं पार्किंग के लिए, बहुत बड़ा आप लोगों के लिए, उसके लिए छांट है कि आप गाड़ी लेके आए तो रोड इधर उधर खड़ा करते अच्छा नहीं लगता है, आस पड़ोस के लोग भी बुरा मानते हैं, तो इसको लेके हम बनवा रहे हैं। उसके लिए हेल्पर और राजमिस्त्री चाहिए। जो भी साथी आएगा काम करेगा उसको कम से कम पैसे में, एक नंबर कंपनी में जिसमें पैसा ज्यादा हो, पैसा ज्यादा हो काम कम हो, ऐसे कंपनी भेजूंगा। देखिए अभी हमारे साथी है, कुछ लोग काम कर रहे हैं लेकिन आदमी कम पड़ रहे, देखिए काम चल रहा है, ये काम हमारा चल रहा है, इधर पार्किंग एरिया पूरा बनवा रहे हैं तो ये ऊपर तक पूरा जाएगा, ठीक है। तो आ जाए जो साथी हेल्पर में जाना चाहते हैं, राजमिस्त्री हैं, आ जाए, ठीक है, मैं उनका काम करवा दूंगा, ठीक है। जब तक वीजा नहीं है काम करिए, उसी समय वीजा लेकर चले भी जाएंगे, ठीक है। ऐसा कौन ऑफिस वाला ऑफर देगा, तो ठीक है। और ऐसा नहीं जो राजमिस्त्री को हेल्पर को बुला रहा हूँ मैं फ्री में काम कराऊंगा, कभी नहीं। आपके पसीना सूखने से पहले आपको पैसा मिलेगा, जो भी दिहाड़ी चलती है वो दिहाड़ी मिलेगा, प्लस रहना खाना फ्री मिलेगा, जान लीजिए, ठीक है, रहना खाना फ्री मिलेगा। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? संजय कुमार भारती भैया है, लगा रहा हूँ मैं कॉल। संजय भैया नमस्कार, नमस्कार, नमस्ते सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। बहुत गर्मी है यार, इतना गर्मी है क्या बताया जाए। कहाँ जी सर, यहाँ तो बहुत गर्मी है। से बात कर रहे हैं आप? हम कौशाम्बी से, उत्तर प्रदेश। क्या काम करते हैं आप? हम सर गाड़ी चलाते हैं, मोटर ट्रक, कौन सा मोटर चलाते हैं? ट्रक। ट्रक सर, अच्छा, ट्रक। लाइसेंस अभी बनवाए कि नहीं? जी सर, सब ओके है। ठीक है, आप इसी तरह वीडियो देखे रहिए, जैसे ही कोई मैं हैवी ड्राइवर इंडियन सर आपके लाइसेंस। ऑफिस भी आए थे एक बार, आपसे मुलाकात नहीं हुआ था। हाँ, ऑफिस नहीं रहेंगे दोस्त, हम तो मैक्सिमम बाहर ही रहते हैं। हाँ, वहाँ पे क्या सद्दाम भाई ऐसे, अरे का लड़का थे पतले पतले गोरे से, वो बोले कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगा। हम बोले नहीं रहे होंगे, ठीक है, बाकी आप आइए, आपका स्वागत है, ठीक है, आप स्वागत है, कभी भी आपके ट्रेन का आता है आइए। बलराम कुमार भाई भी शेयर कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बलराम भाई को भी कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। डब्लू डब्लू भैया आ जाइए हेल्पर का, यार काम करते करते आपका वीजा आ जाएगा जो हेल्पर में जाना चाहते हैं। पेंट शॉप का काम मिलेगा, मैं सोची नौसाद सालम भाई सोची देखने, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरिंदर यादव भाई शेयर कर दिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय यादव भाई शेयर करिए, आपको भी मैं कॉल करता हूँ। दीपक तिवारी साहब मेडिकल, दीपक भाई देखिए इसमें आप, मेडिकल आपके ऊपर है, जहां से कराइए, मेडिकल का कोई इश्यू नहीं है, नॉर्मल मेडिकल होता है दुबई के लिए, नॉर्मल मेडिकल होता है, आप कहीं से भी करा के लाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए, ठीक है, मेडिकल फिट होने चाहिए, वहां पे मेडिकल होता है, वहां फिट नहीं होना चाहिए। प्रदीप निर्मल साहब मैं आपको कॉल लगा रहा हूँ, जी प्रदीप भैया नमस्कार। नमस्कार सद्दाम भाई, आपसे बहुत दिन में बात करने के लिए बहुत सोच रहा था भाई। आज आपने शेयर किया, देखिए मैंने तुरंत कॉल कर दिया, किया कि नहीं किया बताइए, कब आप किए, आप मेरे को अब बाहर भेज दीजिए एक बार क्या प्लीज। काम मैं एक बार गया कर, था बॉम्बे में, अभी फिलहाल है इलेक्ट्रिशियन है। तो कल आ जाते तो हो जाता यार, मैं क्या करूंगा यार मेरे भाई। मैं अभी एक बार गया था सर, एजेंट के चक्कर में 80-90 हज़ार रुपया मेरा बर्बाद गया, कोई काम नहीं निकला। ये तो गलत है ना यार, कहीं भी यार अब जाएंगे ठोक ठेका के जाएंगे ना यार। देखिए हम लोग 10 रुपए का सब्जी भी खरीदते हैं तो पूरा चेक करते हैं ना, तो आपने एजेंट के हाँ बारे सर, में या कम कुछ क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ क्या हुआ इधर, मतलब पहचान के थे हम, उनके ऊपर विश्वास किए, बस यही बात है। और विश्वास इसलिए किए हमारे मतलब पहचान के, ज्यादा पहचान के थे। हाँ कहावत सुनो, धोखा वही देता है जो जो जिसके ऊपर भरोसा होता है। हाँ, वही तो जिसके मैं ऊपर आप बोल रहा भरोसा था। करेंगे वही आपको देगा, जिसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे मेरे साथियों वो आपको कभी नहीं धोखा देगा। इसलिए किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, भरोसा सिर्फ अपने आप के ऊपर करिए, जो कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, आपके परिवार के लिए, अपने लिए। गलत बोल रहा हूँ तो आप बोलिए, नहीं तो एकदम सही बात करते हैं, कभी आप वीडियो में गलत बोलते ही नहीं। जो सच है वही बोला जाता है यार।
सर थोड़ा सा कड़वी लगती है, समझ रहे हैं, लेकिन सर अभी अभी वापस जाने के लिए मैं बॉम्बे आया हूँ फिर से मेहनत करने के लिए, लेकिन मैं अभी वापस आपसे मिलूंगा आपके ऑफिस में। आइए ना, आइए ना, आइए साथ में खाना खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए इस वीडियो को जो भी साथी देख रहे हैं सबसे ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि रियल में मैं दिमाग से उतर गया था, और जो है मैं क्या बताऊं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूं। ठीक है, अभी क्लाइंट मैंने एयरपोर्ट पे उतरा है, तब एक बैग आया है, फिर हुआ कि यार क्या मैं बताऊं। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, तो आप वीडियो को शेयर करेंगे तो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा, पैसा बहुत ही कम बनना है, बहुत ही कम, तो 80-90 बता रहे हैं, बाप रे बाप, मैं क्या बोला, बहुत ही पैसा कम बनना है, बहुत ही कम। तो जो साथी आएगा कुछ ना कुछ पाएगा। ठीक है, प्रवीण कुमार भाई मैं कॉल कर रहा हूँ आपको, प्रवीण भैया हमारे फैन है, हम आपके फैन है, हाँ हर एक वीडियो हमारा देखते हैं प्रवीण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। जी प्रवीण भाई नमस्कार, क्या नमस्ते सर। हाल चाल है, कहाँ बात कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, हर एक वीडियो आप मेरा शेयर करते हैं, जान लीजिए लोगों तक हाँ पहुंचाते सर, हैं। एक दिन और कॉल किया। हाँ, बात करने के लिए अब बोलिए ना, सर। क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ। वो बीएमसी ऑपरेटर का वांट आता है क्या सर? अब वांट तो देखिए सबका आता रहता है, जो भी वांट आता है भैया, देखिए मैं डाल देता हूँ फेसबुक पे ही, लेकिन अभी डाल देता हूँ, आप तक देखते हैं। नहीं, अभी तक नहीं देखा हूँ एक बार भी बीएमसी का, इसलिए मैं पूछा। नहीं, आता तो है बीएमसी का, आता है मेरे भाई। ठीक है, आप वीडियो देखते रहिए, आने वाला भी है बीएमसी का, सीएमसी का आता है। ठीक हाँ है, एक बार देखते रहिए आप वीडियो। ठीक है, जैसा कम वांट निकलते इसलिए कम वीडियो पड़ता है। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? रौनक भैया हमारे वीडियो शेयर कर दिए हैं, विनय यादव साहब शेयर कर दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी टेक्नीशियन का काम के लिए बात चल रही है भैया, जैसे ही फाइनल होता मैं लाइव आता हूँ। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? विनय सर मैं कॉल कर रहा हूँ आपको, लोगों को कॉल लगाया हूँ, कॉल लगाया हूं मैं। कोई साथी है जो बात करना चाहता है? सुरेश भैया भी हमारे शेयर कर दिए हैं, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। विनय यादव साहब इतनी बार शेयर किए, एक लोग को कॉल में लगाया हूँ लेकिन नहीं लग रहा है। विनय यादव भैया मैं आपको कॉल लगा रहा हूँ। मोहम्मद इस्लाम साहब शेयर तो करिए, संजय कुमार भारती साहब देखिए कितना। जी विनय भैया नमस्कार, विनय भैया हेलो सर। नमस्कार, वीडियो नहीं आ रहा है, नेट का प्रॉब्लम है क्या, कहाँ से बात कर रहे नहीं हैं? सर, नहीं, एक बार और कॉल कीजिए ना, थोड़ा रुक गया। और कोई साथी जो बात करना चाहता है? कोई नहीं है, मिथिलेश भैया भी हमारे शेयर कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मिथिलेश भैया नमस्कार, मिथिलेश भैया क्या हाल चाल है, कुछ बोलेंगे? देखिए ऑडियो ही नहीं आ रहा, लग रहा है इनके नेट का प्रॉब्लम है। और कोई साथी? मैं आपको मैं लाइव डोनर कर चुका हूँ, मोहम्मद इस्लाम साहब मैं कर रहा हूँ, आपको कॉल ही कर रहा हूँ। एमडी राजू साहब शेयर किए हैं, बहुत 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 शुक्रिया। विनय यादव साहब लिख रहे हैं मेरा डाटा प्रॉब्लम है। मनीष यादव साहब ऐसा कोई बात नहीं है यार, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई जो लिखे ऐसा कोई बात नहीं है, सब गलत बात है। अजय कुमार साहब शेयर किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख मिस्कित भाई शेयर किए हैं, आपसे भी कॉल कर रहा हूँ, सबसे सबसे मैं बात कर रहा हूँ। शेख मिस्कित साहब, मिस्कित साहब मैं आपको कॉल लगा दिया हूँ। जी सलाम वालेकुम, कहाँ वालेकुम अस्सलाम। और से बात खैरियत कर रहे हैं हजरत? सर? कुवैत से। अच्छा क्या काम करते हैं आप? मैं एलुमिनियम का। हाँ एक बार और आपसे बात हुआ था, हाँ कैसा चल रहा है आपका काम? हाँ हाँ अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक है। कुवैत का क्या है, गर्मी का क्या हाल है? गर्मी बहुत है सर, पूछो ना, गर्मी हाँ बहुत है।
इधर गर्मी का हालत यूपी आज। बिहार, यूपी बिहार में जो है 40, 41, 42 सेल्सियस पहुंच जा रहा है। हाँ यहाँ पे तो बहुत बिना एसी वाले यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। बाहर अंडा फोड़ के रख दिया जाए, शाम तक ऑमलेट बन जाएगा। एकदम आराम से, पानी भी गर्म हो जाएगा एकदम, पानी पानी गर्म तो करने गर्म की टंकी का जरूरत। उसी तरह है। हाँ, पानी गर्म ठीक करने है की जी जरूरत ही नहीं। ठीक जी जी है ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? कोई नहीं है, कोई साथी है जो बात करना चाहते हो? कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? दोस्त वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कल मैं खुद रहूंगा, आपका वेट करूंगा, सारे लोग का इंटरव्यू होगा, सबको पास इंशाल्लाह सारे लोग होंगे। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको पास कराएं। अभी क्लाइंट है, मैं जो अभी पूछेगा मैं आपको बोलूंगा हिंदी में कि ये पूछ रहा है, आपको बताना रहेगा। ठीक है, आप आइए कल, मैं आपके लिए पूरा पूरा तैयार हूँ, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंचे। दोस्तों परफेक्ट ग्रुप आने के लिए आपको सिर्फ यही किसी से भी पूछना होगा, कहीं से भी आप आ रहे हैं, मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज के आगे रानी डीहा चौराहा पड़ता है। ये रानी डीहा चौराहे की जो है तस्वीरें हैं, और बराबर हर जगह से ऑटो आता है, आपके सामने भी ऑटो होगा, आप बोलेंगे रानी डीहा चौराहा उतरना है और यहाँ उतरेंगे, तो यही वीडियो आप देख के समझ जाइएगा। रानी डीहा चौराहा से यहाँ से देखिए स्टार एक सेंटर से ही बगल से रास्ता गया है, बोर्ड भी हमारा दिख रहा है परफेक्ट ग्रुप का, यहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ना होगा और आगे आएंगे तो परफेक्ट ग्रुप का जो है टोटल बोर्डे मिल जाएंगी आपको। ये देखिए परफेक्ट ग्रुप का बोर्ड लगा है, लेकिन चुनाव वाले बेचारे लगा दिए हैं, कोई बात नहीं, आगे भी लिखवाए हैं। ये आपको सामने इस तरह से मंदिर दिखेगा, शिवराज मंदिर, और यहाँ से आपको दाहिने मुड़ना होगा, देखिए बगल में फिर आपको परफेक्ट ग्रुप ऑफिस का जो है ये बोर्ड दिख जाएगा, और जो है यहाँ सीधे आप आएंगे, यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी है, आप पैदल भी टहलते हुए आ सकते हैं, गाड़ी तो सीधा गाड़ी से आ सकते हैं, चरपहिया है तो चरपहिया से आ सकते हैं, और जो है सीधा आप इस तरह से आएंगे और आते ही फिर आगे आपको बोर्ड दिख जाएगा। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप वीडियो देख के आ सके, और देखिए ये परफेक्ट ग्रुप का मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से 400 मीटर की दूरी है, और सीधा आप आगे जो है सीधे आप बढ़ते आएंगे सीधे आप मेरे ऑफिस पे पहुंच जाएंगे आसानी से, बहुत ही आसानी से, आपको थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो है आगे मैं बताऊंगा गाड़ी कहाँ खड़ा करना है, आपको गाड़ी वहीं खड़ा करिएगा, क्योंकि वहीं पे है जो है सीसीटीवी कैमरे लगा है, और मेरी खुद की जमीन है, तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। गाड़ी दूसरे जगह बिल्कुल ना खड़ा करिएगा, गाड़ी जहाँ वीडियो में बता रहा हूँ वही खड़ा करिएगा। यहाँ रोड से देखिए फिर आपको लेफ्ट मुड़ना है, और यहाँ परफेक्ट ग्रुप का देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है, और यह बोर्ड देख के आपको सीधा एकदम चले चलना है, और तेजी से आप आगे बढ़ेंगे और सीधे सामने एक और आपको जो है बोर्ड मिल जाएगा, उस बोर्ड पे मिला लिखा हुआ रहेगा, फिर वहां से आपको मुंडा रहेगा दोस्तों, इस चीज को ध्यान दीजिए। रोड से दाहिने आएंगे, सीधा आप बढ़ते जाएंगे, दाहिने आगे मुंडा रहेगा आपको, आगे देखिए फिर आपको परफेक्ट ग्रुप का बोर्ड दिखाई देगा, जो कि बता रहा है यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है परफेक्ट ग्रुप और विदेश मंत्रालय से रजिस्टर ऑफिस, यहाँ से सीधा आएंगे, यही रोड ही मेरे ऑफिस तक चला जाएगा दोस्तों। हर एक जगह मोड़ पे मैंने लिखवा दिया है, आपको कहीं से आने की दिक्कत नहीं होगी। ये मकान वकान सब वीडियो में देखते रहेंगे तो आपको लगेगा हाँ आप सही चल रहे हैं, क्योंकि मकान बदलने वाला नहीं है दोस्तों। ये सीधे आप आएंगे, सीधे आएंगे, देखिए फिर हमारा बोर्ड दिखाई देने लगा, और सीधे ये पक्की सड़क है, और यहाँ से जो है कच्ची हो जाती है, कच्ची पकड़ के आपको आना है। ये देखिए परफेक्ट ग्रुप ऑफिस यहाँ सीधा जो है सिर्फ 150 मीटर की दूरी पे है, सीधा आप यहाँ से कच्ची पकड़ लेंगे, और यहाँ से ही जैसे लिफ्ट घूमेंगे आप परफेक्ट ग्रुप पे दोस्तों पहुंच गए। ये देखिए यहाँ सीधे गए, मकान जो भी मैं दिखा रहा हूँ पहचान के नाते दिखा रहा हूँ कि कहीं आप गलत रास्ता कोई ना पकड़े, और यहाँ से देखिए फिर लेफ्ट मुड़ना है, और सीधे देखिए व्हाइट कलर का आगे जो है दीवार पे आपको दिख रहा है परफेक्ट ग्रुप का जो है बोर्ड, और उसी के पास हमारा परफेक्ट ग्रुप ऑफिस आपका आ गया है। सारे रोड है सब पहचान के नाते मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये देखिए सामने जो है परफेक्ट ग्रुप आपका बोर्ड दिख रहा है, और यहाँ से जो है आपको यही रास्ता सीधा परफेक्ट ग्रुप के पास आपको ला देगा दोस्तों। बस बहुत ही आसानी से आप पहुंच जाएंगे परफेक्ट ग्रुप पे, आसानी से पहुंच जाएंगे। आप अपने जो है रिक्शे से हैं, ऑटो से आ रहे हैं, या आप अपने गाड़ी से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, बहुत ही आरामी से आप पहुंच जाएंगे। यह जो है यहाँ से फिर आपको लेफ्ट मुड़ना रहेगा, और लेफ्ट मुड़ते ही जो है
आप तो देखिए यही रास्ता सिर्फ परफेक्ट ग्रुप ही जाने के लिए रास्ता जो है ये सीधा रास्ता हमारे ऑफिस जाने के लिए है। आप सामने भी देखिए बोर्ड आपको मिल जाएगा, परफेक्ट ग्रुप सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे, और यहाँ आते ही आपको लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ते ही परफेक्ट ग्रुप को जो है आपका बोर्ड दिख जाएगा। आप आ गए हमारे ऑफिस में दोस्तों, देखिए कितना आसानी से आ गए। सामने देखिए पूरा मेरा परफेक्ट ग्रुप का कैंपस दिख रहा है, ये देखिए परफेक्ट ग्रुप परफेक्ट न्यूज का जो है आप बोर्ड देख रहे हैं, और जो है यही हमारा ऑफिस है। और गाड़ी कहाँ खड़ा करना है मैं बता दूं, गाड़ी सिर्फ खड़ा करना है हमारी जमीन पे, इधर उधर रोड पे कोई गाड़ी नहीं खड़ा करेगा, नहीं तो हम काम नहीं कराएंगे, हम मानेंगे कि आप परेशान करना चाहते हैं, इसलिए कि सिर्फ गाड़ी खड़ा करने के लिए मैंने जमीन लिया है। ये देखिए सामने कैमरा लगवाया है, और यही जो है हमारी जमीन है, यहाँ से जो है सीधा गाड़ी अंदर आप अपना जहां जैसे भी जाए आप आराम से लगा सकते हैं, सीटी कैमरा लगा है पूरा आराम से देख सकते हैं। परफेक्ट ग्रुप के ऑफिस के अंदर आप जाएंगे तो सीधा जो है ये आ जाएंगे, रिसेप्शन में हमारे स्टाफ बैठे रहेंगे, जो भी जानकारी है ले जा सकते हैं। यहाँ पानी पीने के लिए व्यवस्था है, बाथरूम है, आप बाथरूम में जा सकते हैं, पानी आरो का पी सकते हैं, और ये आपके बैठने के लिए पूरा का पूरा इंतजाम किया है। बाकी जो भी क्वेरी रिसेप्शन पे पूछिए, ठीक है, यहाँ जैसा वो कहते हैं वैसा जो भी वांट आता है, ये नोटिस बोर्ड है सारा का सारा चिपकाए रहता है, आप अपना आराम से काम करा सकते हैं। अंदर आएंगे तो अंदर देखिए इस तरह से मिलेगा आपको, ये डाटा एंट्री रूम हो गया, और ये जो है डाटा एंट्री यहाँ पे होता है, यह डिपार्चर रूम आपका हो गया जो कि डिपार्चर का काम किया जाता है, और जो है फिर इस रूम में जो है यह जो है डॉक्यूमेंटेशन का टोटल हो गया, और इधर जो है आपको हमारा ऑफिस मिल जाएगा दोस्तों। तो हम रहते हैं तो ज़रूर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे आपसे। तो ये हमारे पूरे ऑफिस का वीडियो है।